हेलो स्टूडेंट्स, आज करते क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1, क्लास 7, एनसीईआरटी चैप्टर इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट्स रुपीज 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ 1642 फ्रॉम इट। इट मीन्स बैंक अकाउंट द नेक्स्ट डे, अगले दिन। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अकाउंट डिपॉजिट। देखिए, मोहन अपने बैंक में 2000 रुपीज डिपॉजिट कराता है और अगले दिन 1642 रुपीज विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। तो अगर उसने निकाला गया पैसा किस इंटीजर से किया है, रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, किससे किया है, नेगेटिव इंटीजर से। तो इसमें आपसे बोला गया है कि आप जो पैसा आपने जमा कराया है तो उसे किस इंटीजर से, आप कि उस इंटीजर का साइन क्या लोगे आप। जब आपने निकाला गया पैसा नेगेटिव इंटीजर से आपने रिप्रेजेंट किया है तो जो डिपॉजिट, जो आपने जमा किया पैसा, उसका साइन क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे या पॉजिटिव। देखिए, जब पैसा हमने निकाला उसका नेगेटिव साइन हमने रिप्रेजेंट किया है, उस मनी को जो निकाला है नेगेटिव से, तो जो डिपॉजिट किया था उसको पॉजिटिव से करेंगे, जनरल सी बात है। ठीक है, क्लियर। तो जो डिपॉजिट मनी है, डिपॉजिट मनी किससे इंडिकेट करेंगे, पॉजिटिव साइन से। आइए क्यों आज सॉल्यूशन फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिपॉजिट डिपॉजिट मनी is represented by positive A positive integer। Clear। अब उसने हमसे यही पूछा था कि जो डिपॉजिट मनी है किस साइन से किया। ठीक है, अभी हम पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे उसको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। जो पैसा निकालने के बाद जो बैलेंस कितना बचेगा उसको बताना है। फाइंड द बैलेंस मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। ठीक है, अभी कैसे पता लगाओगे। 2000 रुपीस आपके बैंक में है, उसमें से आपने 1642 को निकाल लिया, तो क्या करोगे आप। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये में आपने 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट खरीद लेते हो, तो बैलेंस कितना बचेगा, 10 माइनस 5 बचेगा। ये इसी प्रकार 2000 में से क्या करेंगे, 1642 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए, बैलेंस बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ। क्या बचेगा, 2000 माइनस 1642, यही है ना। तो 1 कैरी करेंगे, 10 यहाँ से फिर कैरी करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से टू जाएगा 8, फिर एक हमने यहाँ से कैरी किया तो यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 4 आ जाएगा आपका 5, फिर यहाँ से कैरी किया था तो
तो यहाँ क्या बचा था, नाइन, नाइन में सिक्स गए आपके थ्री, और यहाँ से कैरी किया था तो यहाँ क्या बचा वन, वन में सेवन गया जीरो, जीरो आगे लिखो या मत लिखो, तो रुपीज कितना बैलेंस बचा 358, ठीक है, ये तो वैसे ठीक है, क्या रुपीज बचे 358, ओके क्लियर, पॉज कीजिए और राइट डाउन कीजिए, अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी, कोई पॉइंट है ए, सपोज मान लेते हैं ए पॉइंट है ये, इससे 20 किलोमीटर जाती है किस तरफ, टूवर्ड ईस्ट की तरफ, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ए टू बी 20 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट, पूर्व दिशा की तरफ जाती है, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, अब वेस्ट की तरफ मूव करती है यहाँ से और 30 किलोमीटर चलती है, तो 30 किलोमीटर चलेगी वेस्ट की तरफ, तो मान लीजिए ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है और मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ पे हो जाता है उसका 30 किलोमीटर फ्रॉम बी टू लेट सपोज सी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, इसने इसने बोला है कि भाई जैसे आप ईस्ट की तरफ जाते हो उसको अगर पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, अगर इसका पॉजिटिव साइन है तो आप जो ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ आए हो उसका साइन क्या लोगे, ऑब्वियसली नेगेटिव लेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इसको लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटीजर किससे करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 30 किलोमीटर, तो नेगेटिव से करेंगे इसको, ठीक है। अब बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, अब वो जहाँ जिस फाइनल पोजिशन पर है, अब कहाँ पे है सी पे, क्योंकि आफ्टर आफ्टर ट्रेवलिंग 30 किलोमीटर सी कम्स पॉइंट सी, अब सी पॉइंट पे आती है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका पॉजिटिव 20, तो 30 में से नेगेटिव 30 में से अगर आपका ये 20 पॉजिटिव है, अगर इनको देखते हैं तो अब यहाँ से बी से ए तक आते आते तो माइनस 20 तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव साइन से जो टूवर्ड्स ईस्ट था, तो ईस्ट चलने के बाद जो 20 किलोमीटर पॉजिटिव इंटीजर कवर किया, तो जब हम ये बी से सी की तरफ आ रही है तो ए पे आएगी तो नेगेटिव 20, अब पॉजिटिव साइन है तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 20 न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव से, मतलब ये पॉजिटिव चले और यहाँ पे नेगेटिव चले तो क्या हो जाएगा दोनों का जीरो यहाँ पर, तो फिर यहाँ से यहाँ आने तक क्या होगा आपका माइनस 10, क्या हो जाएगा माइनस 10, तो ये डिस्टेंस क्या होगा इसका फ्रॉम ए टू बी, क्या आंसर आ जाएगा माइनस 10 किलोमीटर, ठीक है। ये तो था समझने के लिए, अब आपको करना क्या है कि आपने इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस कर दीजिए विदाउट नोटिसिंग द साइन, 30 माइनस 20 इट बिकम्स 10,
किलोमीटर को, बट जो आपका ये जो मेजोरिटी है, जो सॉरी जो सिंबल है आपका क्या है, नेगेटिव मोड है और ये 20 आपका पॉजिटिव लेस है, तो इसमें साइन सिंबल किसका रह जाएगा आपका माइनस 10। तो आप सिंपली ये ऐसे ऐड कर लीजिए, 20 और ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है तो माइनस 30 और ये प्लस 20, तो इट मीन्स आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो माइनस 10 किलोमीटर। इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, आप ये लिख लेना यहाँ पे हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ई, इसके बाद लिखना ये, ठीक है, इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं नेक्स्ट 2 या 3 क्वेश्चंस।